आज की ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर है जो कि है टाइम मैनेजमेंट। हमको किस तरीके से अपने टाइम को मैनेज करना चाहिए जिससे हम जो भी हमारा वर्क कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं या जो भी आपका रिस्पेक्टिव वर्क है उसको आप इफेक्टिवली कर पाओ और अपना 100% दे पाओ। सो आज की इस वीडियो में मैं आपको 5 टिप्स देने वाला हूँ जो कि आपको हेल्प करेगी टाइम को मैनेज करने में। सो चलते सबसे पहली टिप की तरफ जो कि है फर्स्ट डू द टफेस्ट वर्क, और ये सबसे इम्पोर्टेंट टिप है। बेसिकली होता ये है, जो भी हमारा सबसे हार्ड वर्क होता है या टफेस्ट वर्क होता है उसे हम टाल देते हैं कि थोड़ी देर बाद करूंगा, शाम को करूंगा, सोने से जस्ट पहले कर लूंगा, और वो काम फिर डिले हो जाता है। अब जैसे ही वो काम डिले हुआ तो हमारा स्ट्रेस लेवल बढ़ा, हमारे ऊपर प्रेशर आया, सो जो भी हमारे दूसरे वर्क है वो सब मिसमैनेज हो जाते हैं। सो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज है कि जो भी आपका टफेस्ट वर्क है उसको आप सबसे पहले फिनिश करिए। आप लिस्ट डाउन करिए कि सबसे टफेस्ट वर्क आज के दिन में आपको कौन सा करना है, उस वर्क को सबसे पहले निपटा दो। अब इससे होगा क्या, आपका स्ट्रेस का लेवल कम होगा, आपके ऊपर प्रेशर कम आएगा, आपकी इफिशियंसी बढ़ेगी और आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा, जिसे जो भी दूसरे टास्क है उनको आप बहुत अच्छे से मैनेज कर पाओगे। सो सबसे पहली टिप और सबसे इम्पोर्टेंट टिप, जो भी टफेस्ट वर्क है उसको सबसे पहले आपको करना है। अब आपको लिस्ट डाउन करना है कि आपका टफेस्ट वर्क क्या है। अब हम चलते हैं सेकंड टिप की तरफ जो कि रिमूव डिस्ट्रैक्शन। अब जो भी आपके डिस्ट्रैक्शन है डेली रूटीन के अंदर, जो भी एनर्जी बैरियर्स है, जो भी आपकी एनर्जी लेवल को डाउन कर रहे हैं, आपकी जो इफिशियंसी उसको कम कर रहे हैं, आपकी प्रोडक्टिविटी को कम कर रहे हैं, उनको आपको रिमूव करना है। वो सोशल मीडिया हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है, आपको उसको लिस्ट डाउन करना है और अपने वर्किंग आवर में जो भी आपका वर्किंग आवर है उसमें आपको उनको अवॉइड करना है। अगर आपका काम सोशल मीडिया के बिना हो जाता है और आपका काम सोशल मीडिया पे नहीं है तो आप सोशल मीडिया को अवॉइड करिए, और जब भी आपका काम हो जाए उसके बाद सोशल मीडिया को एज ए रिवॉर्ड चलाइए। इन चीजों को आप एज ए रिवॉर्ड ले सकते हो कि ये पर्टिकुलर टास्क मैं कर दूंगा, फिर चलो एक यूट्यूब पे कॉमेडी वीडियो देख लूंगा, थोड़ी देर इंस्टाग्राम चला लूंगा। सो इन चीजों को आपको एज ए रिवॉर्ड रखना है, इनको मेन प्रायोरिटी नहीं देनी। पहले मेन प्रायोरिटी आपका वर्क होना चाहिए कि जो भी आपके इम्पोर्टेंट टास्क है पहले आपको वो फिनिश करने हैं, उसके बाद आपको एंजॉयमेंट में जाना है। सो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको सेकंड पॉइंट अच्छे समझ में आ गया होगा। सो अब हम चलते हैं थर्ड इम्पोर्टेंट पॉइंट की तरफ जो कि फॉलो 80-20 रूल। 80-20 रूल के ऊपर मैंने एक डेडिकेटेड सेपरेट वीडियो बना के रखी है जिसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में और आई बटन में दे दूंगा। बेसिकली 80-20 रूल को हम पारेटो प्रिंसिपल भी बोलते हैं, जिसका मतलब है कि 20% काम आपको 80% रिजल्ट दे सकता है। और आपको एग्जांपल दूं तो मेरे चैनल की 20% वीडियोस चैनल के 80% व्यूज कॉन्ट्रीब्यूट करती है, कुछ कंपनी के 20% प्रोडक्ट्स 80% रेवेन्यू जनरेट करते हैं, हम हमारे कुछ 20% फ्रेंड के साथ ही 80% टाइम स्पेंड करते हैं। सो ये रूल हमेशा अप्लाई होता है और इसके ऊपर मैंने एक डिटेल सेपरेट वीडियो बना के रखी है, सो उस वीडियो को आप जरूर देखें। सो सबसे पहली चीज है कि आपको लिस्ट डाउन करने सारे आपके टास्क, फिर उसमें से आपको 20% मोस्ट इम्पोर्टेंट टास्क को सेपरेट करना है और उन पर्टिकुलर टास्क पे पहले फोकस करना, क्योंकि हमेशा होता है कि हम कुछ तो भी करते रहते हैं, शायद से जो चीज कंट्रीब्यूट नहीं करती हमारे रिजल्ट में उसे भी हम करने लग जाते। सो मैं फिगर आउट करना कि क्या चीज इम्पोर्टेंट है और क्या चीज इम्पोर्टेंट नहीं है। आपको सबसे पहले मोस्ट इम्पोर्टेंट 20% टास्क को सेपरेट करना है और उन 20% टास्क को सबसे पहले कम्प्लीट करना है, क्योंकि वो 20% काम ही आपका 80% रिजल्ट प्रोड्यूस कर सकते हैं। सो ये चीज आपको सबसे पहले अप्लाई करनी है। अब हम आते हैं फोर्थ इम्पोर्टेंट पॉइंट की तरफ जो कि टास्क मैनेजमेंट। आपको आपके टास्क को मैनेज करना आना चाहिए, क्या इम्पोर्टेंट है, क्या अर्जेंट है, क्या अर्जेंट नहीं है और क्या इम्पोर्टेंट ही नहीं है। इस पर्टिकुलर मेथड को बोला जाता है अर्जेंट इम्पोर्टेंट मैट्रिक्स। सो आपको आपके टास्क को अर्जेंट, इम्पोर्टेंट, नॉन इम्पोर्टेंट के फॉर्म में अरेंज करना है। ये मैं आपको समझाता हूँ करना कैसे। सबसे पहले आपको क्वाड्रेंट बनाना है जिसमें 4 बॉक्स होने चाहिए। सबसे पहला जो बॉक्स होगा उसमें आपको अर्जेंट और इम्पोर्टेंट टास्क को लिस्ट डाउन करना है। जो भी आपके अर्जेंट टास्क है और इम्पोर्टेंट भी है उनको आपको सबसे पहले बॉक्स में लिखना है। उसके बाद आता है सेकेंड बॉक्स, नॉट अर्जेंट लेकिन इम्पोर्टेंट है, उसमें आपको ऐसे टास्क को लिखना है जो कि अर्जेंट तो नहीं है लेकिन इम्पोर्टेंट जरूर है। इसके बाद आता है थर्ड बॉक्स, जहाँ पे कुछ ऐसे आपके टास्क हो सकते हैं जो कि इम्पोर्टेंट तो नहीं है लेकिन अर्जेंट है। फिर आता फोर्थ बॉक्स जो कि अर्जेंट भी नहीं है और इम्पोर्टेंट भी नहीं है। सो जो पहला बॉक्स है जिसमें आपके अर्जेंट और इम्पोर्टेंट टास्क है उनको आपको सबसे पहले कंप्लीट करना है। आपको लिस्ट डाउन करना है ऐसे टास्क को जो कि बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है और अर्जेंट भी है, उनको आपको सबसे पहले कंप्लीट करना है। शायद से वो हो सकता है कुछ प्रोजेक्ट बनाना जिसके डेडलाइन कल ही हो, तो वो अर्जेंट भी और इम्पोर्टेंट भी है। कोई आपको बिल पे करना जिसके डेडलाइन कल हो, वो अर्जेंट भी और इम्पोर्टेंट भी है। शायद से आपको कोई मीटिंग करनी है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और अर्जेंट भी है, सो वो भी इस वाले बॉक्स में आएगी। उसके बाद नॉट अर्जेंट लेकिन इम्पॉर्टेंट है, खुद को एजुकेट करना, सेल्फ इम्प्रूविंग कंटेंट देखना, एक्सरसाइज करना,
सो ये काम अर्जेंट तो नहीं है लेकिन इम्पोर्टेंट है क्योंकि हम आगे की तैयारी कर रहे हैं। इसके बाद आता है थर्ड बॉक्स जहाँ पे आपने अर्जेंट और नॉन इम्पोर्टेंट काम लिखे हैं। ईमेल्स का रिप्लाई करना, किसी को फोन कॉल करना अर्जेंट है लेकिन इम्पोर्टेंट नहीं है तो उसको आप डिले करोगे। सो इस तरीके से आपको आपके टास्क को ऑर्गेनाइज करना है। जो सबसे लास्ट बॉक्स है उसमें आप नॉट अर्जेंट नॉट इम्पोर्टेंट टास्क लिखोगे। मूवी देखना, गेम खेलना, जो आपका काम हो गया उसके बाद एंजॉय करना, क्योंकि वो काम अर्जेंट भी नहीं और इम्पोर्टेंट भी नहीं है। सो इस तरीके से आपको आपके टास्क को मैनेज करना है। सो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये टिप आपको अच्छी लगी होगी और इस टिप को आप जरूर फॉलो करोगे। अब हम चलते हैं लास्ट टिप की तरफ जो कि डोंट ब्रेक द हैबिट। अब जो भी आपकी हैबिट बनी हुई है, शायद से एक्सरसाइज करने की, कुछ पर्टिकुलर थॉट्स लिखने की, बुक पढ़ने की, कोई अच्छा कंटेंट देखने की, जो भी आपकी हैबिट है जो कंट्रीब्यूट करती है आपके सक्सेस में, आपको इम्प्रूव करती है, उनको आपको ब्रेक नहीं करना है। भले आप 5 मिनट करो, 10 मिनट करो, कभी कभी आपको लगता है कि यार टाइम तो बचा नहीं है, क्या करूंगा, लेकिन करो, 5 मिनट पढ़ो, लेकिन करो। अगर आपकी बुक पढ़ने की हैबिट है और आप सोच रहे हैं कि यार सो जाता हूँ, तो भले ही बुक को 5 मिनट पढ़ो, 10 मिनट पढ़ो, लेकिन उस पर्टिकुलर हैबिट को ब्रेक मत करो। जब आप हैबिट को ब्रेक नहीं करते हो तो आपके माइंड को एग्जिट नहीं मिलता है, फिर आपका माइंड सोचता है कि कल इस पर्टिकुलर काम के लिए मैं कुछ ज्यादा समय निकालूंगा। इस तरीके से जो आपकी हैबिट है वो कभी ब्रेक नहीं होगी। सो ये थी कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स टाइम मैनेजमेंट की। सो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। आपको कौन सी टिप सबसे अच्छी लगी उसको कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, जिससे हमारा ही मोटिवेशन बढ़ेगा कि हम आपके लिए ऐसा कंटेंट रेगुलर लेके आए। सो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।